हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होगे गाइस। सॉरी, ये हमने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि यार बाइक में ना गर्मी बड़ी लगती है, तो हेलमेट पहन के ना इसलिए हमने ये पहना हुआ है। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मशीन की आवाज़ आ रही है, कुछ काम हो रहा है। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके जा रहे हैं आपको बड़ा बाजार, वहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, उसके दर्शन राजा कटरा में, उसके दर्शन कराते हैं, प्लस आपको और भी टूर कराएंगे बड़ा बाजार का। तो स्टे ट्यून गाइस, चलते हैं, आज जर्नी स्टार्ट करते हैं। बैठ जाइए, दर्शन नहीं होता, बैठ जाइए। अब हम लोग आए हैं यहाँ नीतिका स्टोर के सामने में ही, भैरव बाबा जी का मंदिर है। बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग है ये। यहाँ आपको दिखाते हैं भैरव जी का मंदिर। शिव जी का वो बनाया हुआ है, बहुत सारे शिवलिंग्स बने हुए हैं। ये गणेश जी, ये लक्ष्मी माता, ये हनुमान जी। से हम बाहर निकलते हुए हम लोग हमारी स्कूटी खड़ी हो गई। राखी की मार्केट लग चुकी है, ये सारी राखी रेडी हो रही है, राखी आने वाली है। भैया कब है राखी? राखी कब है? 30 अगस्त। हाँ, 30 अगस्त को राखी है गाइस। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे भी राखी का मार्केट रेडी हो रहा है। ये सारे अचार वाले आम हैं, बड़े बड़े वो अचार वाले आम काट रहे हैं, वो देखो आप। रोड क्रॉस करके अब हम आ गए। ये सारे ठाकुर जी के कपड़े। यहाँ पे भी फल की दुकान है गाइस, ये देखो। अब हम आ गए वापस, यहाँ पे एक और हनुमान जी का मंदिर है। तो गाइस, ये सारी जूतों की दुकान, यहाँ पाव भाजी बन रही है ये दुकान। तो गाइस, ये सारी पूजा की दुकान है, सारे पूजा के सामान, ये देखो आप, मौली वगैरह। चलते हैं और आगे। ये सारा लेडीज़ की आइटम शॉप है। यहाँ पे गोलगप्पे, पाव भाजी, बड़ा पाव, पिज़्ज़ा बनवाए का, ये सारा आप देख सकते हो गाइस। सारे ठाकुर जी के कपड़े, यहाँ पे कुर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं। ये है यहाँ का बहुत ही फेमस तिवारी। ये तिवारी है ना, सारा कुछ घी में बनता है यहाँ पे, सारा कुछ घी में बनता है। ये देखो आप, ये है तिवारी ब्रोस। यहाँ पे कुल्फ़ी वगैरह, टिक्की छोले, कुल्फ़ी वगैरह यहाँ पे है। थैंक यू। और यहाँ पे इमरती रहे ही ना, पापा के लिए इमरती ले लेते, बड़ी गरम गरम खा के हमें आपके लिए इमरती मिल गई यहाँ पे। ये है फेमस बापू टी स्टॉल। अब यहाँ पे पीते हैं चाय। चाय पीनी है ना? चाय, कटलेट भी खाते हैं। सर जी चाय बना दो, दो कटलेट, हाँ थोड़ा चटनी रहने दो।
थैंक यू। ये ट्राई करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? समोसा, समोसा का हीना फीलिंग दिखा रही खोल के। बहुत ही मसालेदार होता है ये देखो गाइस, और इसका भी बहुत ही क्रिस्पी है। बादाम बादाम डाला हुआ है। फिर से समोसा वाकई बहुत स्वाद है। आज से हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे मंदिर ना आरती हो रही है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। पूरी काढ़ काढ़ के चाय बनी है भाई, आ जाओ ट्राई करें। इसकी शक्ल देखो कितनी काढ़ काढ़ के बनी है ना ही ना। गाइस सिप करते हैं, बड़ी कड़क कड़क, बड़ी कड़क चाय है, स्पेशल, बड़ी अच्छी है ही ना, कड़क गर्म, बड़ी बड़ी अच्छी है। हमको लगा सर सब्जी बना रहे, सब्जी कड़छी मार मार के। नॉट बैड, शुक्रिया बाबा, आशीर्वाद दीजिए। ये नहीं राखी नहीं है, ये नेकलेस है और इयर रिंग्स है, पैक है राखी यहाँ पे। ये राखी सारी है, ये 50-50 रुपीस की सेट बैंगल, अच्छा 50-50 रुपए के। हाँ। सारी मार्केट ही है ऐसे, चूड़ियों की राखियों की मार्केट लग गई है। अब हम रोड क्रॉस करते हैं ध्यान से। गाइस जो हमने चाय पीना, बड़ी मलाई मलाई सी, क्रीमी क्रीमी सी चाय थी। अब आपको यहाँ दिखाते हैं एक और मार्केट है, तो ये आम उम लगे हुए हैं, अभी सीज़न के लास्ट आम है। ये एक अलग मार्केट हम लोग घुस रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है ये सारा बड़ा बाज़ार का मार्केट है गाइस। यहाँ पे ये कोई भगवान जी हैं, ये क्या है, ये हम लोग खाते नहीं थे, खट्टी मुट्टी गोलियां। ये है मैंगो बाइट्स, जिससे उसको बचपन याद आ गया हो। 250 रुपीस का सिर्फ। तो ये है गाइस गोले वाला, ये कलकत्ता की रिक्शा। गाइस ऐसे चढ़ते हैं इस पे, ऐसे पहले बैठते हैं, ठीक है, बहुत ही टफ जॉब है इस पे बैठना। आंटी बैठ गई, ये ऐसे लेके जा रहे हैं, ले भाई, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है इस पे बैठना। और ये उठा दिया इन्होंने, देखिए गो, बस अभी ऐसे खींच के ले जाएंगे। ये है कलकत्ता की रिक्शा गाइस, पुराने स्टाइल की। सौ रुपए किलो गाइस अभी आज के डेट पे। ये शॉप रिकमेंडेड है, भगवान जी के कपड़े हो गए, सब कुछ उनका, मतलब नाइट वेयर से भगवान जी के कपड़े, ये भी भगवान के हार कपड़े। एक और रिक्शा, सारे फूल है भाई। और सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, यहाँ पे ये क्या बना रहे, आलू चाट? अच्छा, और यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह, यहाँ पे इस तरह गंगा का पानी आ रहा है।
ये भी गाइस आप देख सकते हो फटाफट रोटियां बन रही हैं, वाह। और ये है प्राइस, नीचे भी कोयला है। हाँ। कितने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ गाइस। राम दरबार होगा आपके पास, राम दरबार लिखा। फेस क्लियर नहीं है ना? ना फेस नहीं क्लियर, वो एक और लेके आ रहे हैं। ये कितने का है? अभिनंदन शॉप, बड़ी वैरायटी की चीजें लगी हुई हैं यहाँ पे। क्या खाओगी? उसी के ऑपोजिट में है गंगा स्वीट, जहाँ पे मटर वाली कचौड़ियाँ मिलती गाइस। ये भी आपको किसी टेस्ट कराएंगे। इस तरह के यहाँ पे पापड़ मिलते हैं, देख सकते हो आप, आलू चिप्स वाले हैं इस तरह के। आलू के पापड़ आलू के पापड़ इस तरह के भी मिलते हैं, कलरफुल वाले, इस तरह के पास्ता। ये सारी ट्रेज वगैरह हैं, डेकोरेटिव आइटम नहीं होती जैसी, ये वो है, ये सब सब। हाँ, एंगेजमेंट रिंग वगैरह, ट्रेज वगैरह एंड ऑल। ये पूरी मार्केट ही ये वाली है, बड़ा बाजार में है ये भी। देखो गाइस और ट्रेज देख लो आप, यहाँ पे भी ट्रेस वगैरह है गाइस। ये भगवान जी का मंदिर, सारे अचार है अफसर्स, ये सारे के सारे अचार। हम आते थोड़ा गाइस, ये देखो ये सारी की सारी गंगा की मिट्टी है जो पूजा के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे छोटा सा इसका भी स्टॉल लगाया लोगों ने, और अचार, देखो गाइस सारे अमरूद। ना ये पिंक अमरूद है, एक खाएं ले दो पीस। ये गाइस काटते हुए दिखाते हैं आपको गाइस, ये है अलग ही अमरूद है, ये अंदर से सारा पिंक होता है। हाँ। तो हल्का पिंक है। नमक डाल ले। ये है आंवला, ये आंवला, ये क्या है? चीकू है, छोटे छोटे बड़े है ना, बड़ा कच्चा है। और ये वाला क्या है? वो तो लीची का। ओ अच्छा, लीची। ये देखो गाइस, बड़े अलग डिजाइन के बैग्स हैं ये वाले आजकल, लेकिन बहुत ट्रेंड में है ये। देखो और राखी लगी हुई है, ये बच्चों के खिलौने। ये गिफ्ट सेट बॉक्स है, बैम्बू स्टिक से बना इस तरह का, ये बड़े यूनिक आइटम है। ये सब भैया इंडिया में बनते हैं, बाहर से हैं? ये सब चाइना आइटम है। वो दिख रही है, आवाज़ करता है क्या? बच्चों के लिए सिपर ले लो, कुछ लेना तो भाई जी। अमरूद है ना, इतना कुछ फर्क नहीं है, सेम जैसे नॉर्मल अमरूद है वैसे ही है, बट मीठा है ना, इन्हें बहुत जूसी है। तो गाइस यहाँ पे हम आज अपना व्लॉग बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पी पैं पूपा हुआ है। तो कल मिलते गाइस अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।